अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं पाक 99 न्यूज HD और मैं हूं नायला भट्टी। शामिल करते हैं आज की अहम खबरें। नाजरीन खबर शामिल करते हैं साहिवाल से। डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक ऑफिसर रियाज अहमद ने पब्लिक ट्रांसपोर्टर से अपने दफ्तर में मीटिंग की, जिसमें ट्रैफिक मसाइल और मुमकिन हल को ज़ेर बहस लाया गया। डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक ऑफिसर रियाज अहमद ने कहा कि ट्रांसपोर्टर्स के मसाइल को तरजीह बुनियादों पर हल किया जा रहा है। गैर कानूनी ऑटो वैगन बस स्टेशन की हर गिर्द इजाजत नहीं होगी। ट्रांसपोर्टर से मंजूर शुदा अड्डा चार्ज और स्टाफ से ही सवारियां बिठाई जाएंगी। गैर कानूनी दाम के खिलाफ भरपूर कार्रवाई की जाएगी। शहर में मुख्तस करता रोड पर मुकर्रा लोडा मुकर्रा औकात कार की खिलाफ वर्जी नहीं करने देंगे। ट्रैफिक पुलिस करप्शन से मुकम्मल पाक पुलिस है। नकारा और अल्ट्रेशन वाली गाड़ियों के खिलाफ भी भरपूर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि बगैर लाइसेंस के ड्राइविंग कानूनन जुर्म है, लिहाजा ट्रांसपोर्टर लाइसेंस के बगैर किसी भी ड्राइवर को गाड़ी चलाने मत दें। खिलाफ वर्जी पर ट्रैफिक पुलिस कार्रवाई करेगी। उन्होंने कहा कि नाजायज तजावजात, रॉन्ग पार्किंग और ट्रैफिक बहाव में खलल डालने वाला किसी राइट के मुस्तहिक नहीं होंगे। ट्रैफिक बहाव में खलल डालने वालों से हानि हाथों से निपटा जाएगा। रिपोर्ट मलक नासर अब्बास, तहसील रिपोर्टर, पाक 99 न्यूज़।